और इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट कनाडा से मिल रही है। कनाडा में सुखा हत्याकांड पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। अर्श डल्ला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से सुखा की नजदीकी को उसके कत्ल की सबसे अहम वजह माना जा रहा है। खबर यह भी है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ के दो धड़े आपस में भिड़ रहे हैं और सुखा डल्ला मारे गए आतंकी निज्जर पहले गठजोड़ का ही हिस्सा रहे हैं। वहीं दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो गैंगस्टर लॉरेंस खालिस्तानी आतंकी रिंदा और लांडा है और सुखा के हत्याकांड में इसी ग्रुप की भूमिका सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि अब दो गुटों के आपस में टक्कर की वजह माना जा रहा है निज्जर की हत्या के पीछे। अर्श डल्ला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से सुखा की नजदीकी को उसके कत्ल की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। खबर यह भी है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी गैंगस्टर का जो गठजोड़ है, जो दो धड़े हैं, वो ही आपस में भिड़ रहे हैं और सुखा डल्ला और मारे गए आतंकी निज्जर पहले से ही गठजोड़ का हिस्सा रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बात इस वक्त की एक और अपडेट की कर लेंगे। कनाडा में मारे गए आतंकी गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुखा की हत्या से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये है कि सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि सुखा को खुद से दूर करके आतंकी गैंगस्टर अर्श डल्ला ने बहुत बड़ी गलती की, जिसका फायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उठाया, जो कि सुखा अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता है। उसे डल्ला ने अपनी छाया से दूर क्यों किया और इसकी खबर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कैसे लग गई, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या कहानी। लॉरेंस गैंग को किसने बताया सुखदुल सिंह सुखा का पता? जग्गू भगवानपुरिया गैंग को किसने दी सुखा के ठिकाने की खबर? कौन कर रहा था सुखा के अलग थलग पड़ने का इंतजार? इन सवालों का ताल्लुक उस खबर से है जो हम आपको देने जा रहे हैं। गैंगस्टर आतंकी अर्श डल्ला ने अगर सुखा को थोड़े दिन के लिए अलग थलग नहीं छोड़ा होता तो शायद वो अभी जिंदा होता, क्योंकि तब लॉरेंस या जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे सुखा तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा क्या हुआ कि अर्श डल्ला ने सुखा को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया और ठीक उसी समय किसी ने ये खबर लॉरेंस और जग्गू गैंग तक पहुंचा दी, जिसके बाद सुखा पर जानलेवा हमला हुआ और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कनाडा में अर्श डल्ला और सुखा लंबे समय से एक साथ रह रहे थे। सुखा को अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था। सुखा की पंजाब में लोकल गैंग के बीच गहरी पैठ थी, जिसके दम पर अर्श डल्ला पंजाब में वसूली कारोबार चला रहा था और हरदीप निज्जर के इशारे पर खालिस्तानी गतिविधियां भी हैंडल कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुखा ड्रग्स की लत के चलते कोई टास्क पूरा नहीं कर रहा था। वो लॉरेंस के जानी दुश्मन बम्बिया गैंग की भी मदद नहीं कर पा रहा था, जिससे डल्ला और उसके गैंग के बाकी गुर्गे सुखा से बेहद नाराज थे। सुखा की मौत से कुछ दिनों पहले सुखा और अर्श डल्ला के बीच काफी तीखी कहासुनी हुई थी और उस दौरान डल्ला ने सुखा को उसकी नजरों से दूर होने के लिए कह दिया था। यहां तक कि सुखा को अर्श डल्ला ने अपने एक ठिकाने के बेसमेंट में रहने के लिए जगह दी थी, लेकिन जिस वक्त सुखा की हत्या की गई उस वक्त सुखा बिना सुरक्षा के घेरे में था। ठीक उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गोल्डी बराड और जग्गू भगवानपुरिया तक ये खबर पहुंच जाती है कि सुखा अकेले रह रहा है। इसके बाद दोनों गैंग ने सुखा की रेकी की और मौका देखकर एक दिन उसे ठिकाने लगा दिया। सुरक्षा एजेंसियों को ये पुख्ता जानकारी हाथ लगी है कि सुखा के अकेले रहने की जानकारी उसके दुश्मन गैंग को किसी ने पहुंचाई है। हालांकि इस मुखबरी में किसका हाथ है ये पता नहीं चल सका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुखा को गोल्डी बराड के भाई की हत्या का दोषी मानता था, इसलिए लॉरेंस गैंग सुखा को काफी वक्त से मारने की फिराक में था। और जब कैलिफोर्निया में बैठे गोल्डी बराड को
सुखा के ठिकाने की जानकारी मिली तो उसने कनाडा में एक्टिव अपने गुर्गों को फौरन उसकी हत्या का टास्क दे दिया। हालांकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि सुखा की हत्या किसने की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने या फिर जग्गू भगवान पुरिया गैंग ने। हर खबर तक।